सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जब मैंने आपके साथ एक हदीस शेयर की थी कि जन्नत की जो छत है वो अर्श है और जन्नत में जो रोशनी है वो अर्श की रोशनी है, तो एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ने अर्श को इलेक्ट्रिसिटी से बनाया है। तो मैंने सोचा कि शायद ये सवाल उनकी तरफ से तो मजाक में किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों के जहन में भी सवाल होगा कि अर्श की तखलीक आखिर किस चीज से हुई। देखिए, अर्श एक नूरानी मखलूक है, अल्लाह की तखलीक है, नूरानी मखलूक है, और अर्श और कुर्सी पर ईमान लाना ये वाजिबात में से। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में तो मैं आपको बहुत तफसील से एक दर्स दे चुका हूँ। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद अर्श तखलीक हुआ, जैसा कि शर्ह सावी अला जौहरत तौहीद के सफा नंबर 390 पर आता है। अब बात करते हैं अर्श किस चीज से बना है। इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। एक कौल यह है कि अर्श नूर से बना है और ये उसकी नूरानियत है जिसकी वजह से जन्नत रोशन होगी। दूसरा कौल जो इस जमीन में आता है कि सब्ज जबरजुत से बना हुआ है, और तीसरा कौल सुर्ख याकूत से बना हुआ है। हजरत इब्राहिम बाजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी हैयत यानी कि शक्ल सूरत के बारे में तहकीक यह है कि अर्श गोल नहीं है बल्कि गुम्बत नुमा है, जो जन्नत की छत होने के साथ साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फगन है, और इसके चार सुतून हैं, जैसा कि तोहफतुल मुरीद अला जौहरत तौहीद के सफा नंबर 434 पर भी आता है, और फिर शर्ह सावी अला जौहरत तौहीद इसके सफा 390 पर भी आता है। और अगर उलमाए कराम ने इसमें तदबीक पैदा फरमाई तो जबरजुद, वो भी सब्ज रंग का, ग्रीन कलर का, और सुर्ख रंग का याकूत, हो भी सकता है कि ये दोनों इसकी तखलीक में शामिल हो और साथ साथ इसकी तखलीक नूरानी भी हो, जिसकी वजह से ये नूर इमिट करता है और उसकी वजह से जन्नत रोशन। जबरजुद जो है एक जर्दी मायल सब्ज रंग का पत्थर होता है और ये जमर्रुद के मुशाबे होता है और मशहूर जोहरात में शुमार होता है, और याकूत जो है वो रूबी को कहते हैं। तो हो सकता है कि इसमें इन दोनों का मिक्स भी हो और साथ नूरानियत भी शामिल हो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।